अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अब तक हमने शोपिफाई लिक्विड के ऊपर थोड़ी बहुत बात की है। हमने वेरिएबल्स बनाना, उनको एडिशन सब्सट्रैक्शन, उनकी कंडीशंस लगाना, देन इफ एल्स कंडीशन, केस स्विच कंडीशन, फॉर लूप एंड एक्सेट्रा, ये चीज़ें हमने पढ़ी। तो ये थोड़ा बहुत हाउ नाउ था शोपिफाई लिक्विड का। अब हम चलते हैं शोपिफाई लेआउट में थीम डॉट फाइल के ऊपर, ठीक है। मज़ीद आपकी जो शॉपिफाई लिक्विड की इश्यूज़ होंगे वो आगे वाली वीडियोस में हमने इसी से बारे में सारे डिस्कस करनी है, तो आपके इश्यूज़ कम से कम होते जाएंगे और आस्ते आस्ते उसकी समझ आती जाएगी। तो हम थीम डॉट लिक्विड में चलते हैं, इसका हम गो थ्रू करते हैं कि थीम डॉट लिक्विड काम कैसे करती है। हम चला देते हैं होम पेज के ऊपर। ओके, सो सबसे पहले डॉक टाइप, जैसे कि किसी भी HTML वैल्यू के ऊपर स्टार्ट नहीं, डॉक्यूमेंट टाइप से होता है HTML, देन HTML आ जाता है, HTML का स्टार्टिंग टैग, और यही फाइल की एंड पे HTML का एंडिंग टैग होगा, ठीक है। देन आ जाता है आपका हेड टैग, हेड के अंदर जो भी आपकी किसी भी पेज की स्क्रिप्ट्स वगैरह, मीटा टैग और चीज़ लगती है वो सारी इसमें आ जाती है। जैसे कि ये आ गया, सबसे पहले मीटा करेक्टर सेट आ गए, देन आपका फेविकन आ गया, जो आपने फेविकन अपने सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन से चेंज किया था, यहाँ पे हमने जो ये लगाया हुआ है फेविकन, ठीक है जी। देन आपका आता है पेज टाइटल, ये वाला। देन आ जाता है अगर पेज डिस्क्रिप्शन है तो ये उसको मीटा डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा देता है, पेज की डिस्क्रिप्शन में। सोशल मीडिया टैग्स, उसके साथ कुछ मज़ीद व्यू पोर्ट के लिए मीटा टैग्स आ गए, ठीक है। देन उसके बाद उसने CSS ऐड करवाई हुई है। अच्छा, नॉर्मली तो आप किसी भी, फॉर एग्जांपल मैं एक अपना डेमो डॉट ओपन करता हूँ, CSS कैसे इंक्लूड करवाते हैं किसी भी फाइल में? लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS, एंड देन हाइपर रेफरेंस, पाथ टू फाइल डॉट CSS, ओके, फाइल नेम या पाथ से भी फाइल है, पाथ टू फाइल स्लैश फाइल डॉट CSS। तो ये एक तरीका है, मतलब नॉर्मली किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में CSS की फाइल इंक्लूड करने का। अच्छा, लिक्विड में थोड़ा सा सेपरेट होता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि शॉपिफाई में जो भी CSS की चीज़ें सारी, jQuery और JavaScript की जो भी फाइल्स हैं, CSS की फाइल्स हैं, इमेजेस फाइल्स हैं, फाउंड फाइल्स हैं, वो सारी एसेट्स की फाइल में आ जाती हैं, ठीक है। तो एसेट के थ्रू हम ये अपने थीम डॉट लिक्विड में से शो करवाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक कस्टम फाइल एडिटर दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ऐड न्यू एसेट करें और क्रिएट ब्लैंक फाइल पे जाएं। मैं अभी लिखता हूँ कस्टम और इसका नेम कर देते हैं डॉट CSS, ठीक है जी, कस्टम डॉट CSS। अभी ये हमारी एक फाइल बन गई कस्टम डॉट CSS। अब हम इसे हम थीम में इंक्लूड करवाते हैं, कैसे करवाएंगे? सबसे पहले डबल साइन, क्योंकि हम कोई भी चीज़ इको करवा रहे हैं, ठीक है। देन कॉमास और उस फाइल का नाम विद एक्सटेंशन कस्टम डॉट CSS, देन ये साइन जो हमने अपने यहाँ पे लगाया था, ये वाला सेम वही साइन शिफ्ट फॉरवर्ड स्लैश के साथ आ जाता है। देन आपका आ जाता है एसेट्स फोल्डर को गेट करने के लिए शॉपिफाई एक डिफॉल्ट वेरिएबल है जो कि सबके लिए सेम ही होता है, वो होता है AWCT_URL, ठीक है जी। ये ऑटोमेटिकली शॉपिफाई को बता देता है कि आपने डायरेक्ट इस फोल्डर के अंदर चले जाना, ठीक है जी, और इस फोल्डर के अंदर जाके आपने ये वाली फाइल पकड़ लेनी है, ठीक है जी। देन आपका अगेन वो वाला साइन, एंड क्योंकि हम स्टाइल शीट लगा रहे हैं तो आ जाएगा स्टाइल शीट अंडरस्कोर टैग। ये स्टाइल शीट टैग है जो कि आउटपुट में जनरेट करता है सेम ये वाला टैग, ये पूरा, ठीक है जी। तो ये एक तरीका है, ये आपका जो है ना कस्टम डॉट CSS की फाइल आपकी थीम में इंक्लूड हो गई है। अब मैं जब यहाँ पे पेज रिलोड करते हैं, मैं जाता हूँ कस्टम डॉट CSS में, यहाँ पे एक कमेंट लगा देता हूँ हनान इज हियर, सॉरी ऐसे नहीं, कस्टम CSS फाइल फ्रॉम हनान, ओके, ये हमने सेव कर दिया, ये हमने पेज यहाँ पे रीलोड किया। मैं जाता हूँ व्यू पेज सोर्स पे, यहाँ पे मैंने CSS की फाइल्स ढूंढते हैं, ये आ गई CSS की फाइल,
ये सबसे पहले मेरी कस्टम फाइल है, मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये मेरी वो फाइल ओपन हो गई, कस्टम सी एस एस फाइल फॉर्म है ना। क्या मतलब हुआ, ये वो पूरा लिंक टैग है, ठीक है, लिंक हाइपर रेफरेंस, ये रिलेशन स्टाइल से टाइप टेक्स्ट है, सी एस एस मीडिया ऑल, ये सारा इसने जनरेट कर दिया, ठीक है जी। यू आर एल ये पूरा ले लिया इसने, यू आर एल यहाँ से ले लिया और फाइल का नेम ये था। ये तरीका है आपका एक सी एस एस इंक्लूड करने का अपनी थीम फाइल में। देन उसके बाद कुछ स्क्रिप्ट आ जाती है शॉपिफाई के थ्रू, देन उसके बाद आ जाती है जावास्क्रिप्ट कैसे ऐड होती है, उसने ये देखा जेक्वेरी इंक्लूड करवाई हुई है। सेम तरीका है आपका, जैसे आपने स्टाइल शीट इंक्लूड करवाई थी, फाइल नेम एसेट यू आर एल एंड स्टाइल शीट टैग, यहाँ पे आ जाएगा फाइल नेम एसेट यू आर एल स्टाइल शीट की जगह स्क्रिप्ट टैग आ जाएगा, क्योंकि उसने यहाँ पर स्क्रिप्ट जनरेट करनी है। मैं आपको एक जे एस का भी बना के दिखा देता हूँ, कस्टम डॉट जे एस एड, कस्टम डॉट जे एस एसेट अंडरस्कोर यू आर एल स्क्रिप्ट अंडरस्कोर टैग। ओके, तो ये तरीका है आपका स्क्रिप्ट टैग कैसे इंक्लूड हो सकता है। यहाँ पे रीलोड करते हैं अगेन, अब मैं यहाँ पेज सोर्स पे देता हूँ, स्क्रॉल डाउन लिटल और ये मरा आ गया जो कस्टम डॉट जे एस, ये स्क्रिप्ट टैग उसका जनरेट हो गया, ठीक है जी। टाइप फिजिकल टेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट, ये फाइल हमारी भी खाली है, इसमें इनको शेड नहीं कराया। ओके, ये तरीका हो गया आपका सी एस एस इंक्लूड कराने का। देन आप क्या कहते हैं कंटेंट फॉर हेडर, ये भी कुछ स्क्रिप्ट सी होती हैं जो कि हेडर फाइल में आती हैं, एंड देन आपका हेड फाइल हेड ख़त्म हो गया। देन आपका कमेंट आ गया, एक छोटा सा एक कमेंट लगाया हुआ उसने, हेड ये होगा। देन आपका बॉडी टैग शुरू हो गया, तो बॉडी टैग आ गया, बॉडी में आई डी पेज टाइटल आ गया, क्लास एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी इसने इंक्लूड करवाई हुई है। देन आ जाता है आपका सेक्शन हेडर, सेक्शन का मतलब क्या है, वो सीधा सेक्शन के फोल्डर में गया और यहाँ से हेडर वाली फाइल यहाँ पे इसने इंक्लूड करवा दी। हम यहाँ पे कस्टमाइजेशन में जाते हैं, मतलब ये वाली जो हेडर वाली फाइल है ये वाली चल रही है, ठीक है जी। इस तरह कस्टमाइजर में जो ये हेडर की फाइल सेक्शन चल रहा है, ये वाला, ठीक है जी, वो ये इसके थ्रू ऐड करेगा। देन आपका ड्रॉअर आ जाता है, ये ड्रॉअर जो कार्ड का है ये वाला, ठीक है जी, कार्ड ड्रॉअर। देन आपका पेज कंटेनर आ जाता है, मेन आ जाता है और उसके अंदर ये एक आ जाता है, सॉरी वेरिएबल कंटेंट फॉर लेआउट, ये कंटेंट फॉर लेआउट वेरिएबल है जो बताता है आपके शॉपिफाई थीम को कौन सा फाइल चलना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं अभी हूँ इंडेक्स डॉट पी एच फाइल पे, इंडेक्स फाइल पे, ठीक है जी। तो इस कंटेंट फॉर लेआउट ने बताना है कि आप टेम्पलेट्स के अंदर जाएं और यहाँ से जाके इंडेक्स डॉट लिक्विड की फाइल चला दें, ठीक है जी। इस तरह अगर मैं जाता कलेक्शन पेजेस पे, ये मेरी कलेक्शन पेजेस आ गए, ठीक है ड्रेसेस। अब ये कंटेंट ऑफ लेआउट इस टेम्पलेट को बताएगा कि आपने टेम्पलेट के अंदर जाना है और यहाँ पे जाके कलेक्शन डॉट लिक्विड चला देना है। इस तरह अगर मैं किसी पेज के ऊपर जाऊँगा तो ये कंटेंट फॉर लेआउट उसे बता देगा कि आपने जी यहाँ से पेज डॉट लिक्विड पे चले जाना है। मैं किसी लॉगिन पेज पे जाऊँगा तो ये कंटेंट फॉर लेआउट है, ये बेसिकली शॉपिफाई ने बना के रखे हुए हैं, इनका मतलब बैकएंड पे पूरा कोड है जनरेट होता, तो इसे शॉपिफाई को पता कहाँ पड़ा है। इसका आउटपुट में बता देता है कि भाई अब आपने अगर आप लॉगिन पेज पे हैं तो आपने ये अकाउंट वाले पेज में आ जाना है, कस्टमर स्लैश अकाउंट। इस तरह अगर मैं किसी प्रोडक्ट पेज पे जाता इसके अंदर से प्रोडक्ट पेज, ठीक है, तो अब इस कंटेंट फॉर लेआउट ने इसे बताना था अपने टेम्पलेट्स के अंदर प्रोडक्ट डॉट लिक्विड में जाना है, ये वाला, ठीक है जी। उसके बाद आपका एचआर आ गया और देन सेक्शन फुटर आ गया, उसके बाद ये सारा लोड होके आपका ये सेक्शन फुटर वाला आ गया, ये वाला। और अगर कस्टमाइजर में जाएँ तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला सेक्शन आ गया, ठीक है जी। देन उसकी कुछ स्क्रिप्ट आ जाती हैं फुटर के अंदर एंड आपकी थीम डॉट लिक्विड फाइल ख़त्म हो जाती है। इस तरह थीम फाइल काम करती है, सबसे पहले थीम डॉट लिक्विड लोड हुई है,
उसने सारा अपनी स्क्रिप्ट लोड की, अपनी जावास्क्रिप्ट लोड की, अपनी कंटेंट लोड किया, हेडर लोड किया, फुटर लोड किया और देन कंटेंट फुट लेयर लोड कर दिया, जिसने आगे मजीद टेम्पलेट्स को बता देना है कि आपको कैसे आगे हमने लेके जाना है। अगर मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि अगर जब फॉर एग्जांपल कंटेंट फॉर लेआउट लोड होता है तो ये पेजेस कहाँ से, ये पेजेस जब लोड हो जाते हैं फॉर एग्जांपल इंडेक्स लोड हो गया फिर क्या हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। कोई इसमें इशूज़ हैं, कोई आपने पूछना चाह रहे हैं, कोई आपकी किसी और थीम में यूज़ कर रहे हैं, उसकी थीम डॉट फाइल से सेपरेट है, उसमें चीज़ समझ नहीं आ रही और आप पूछने देते हैं, तो आप ज़रूर नीचे फीड कमेंट में मुझसे पूछिएगा, अपने फीडबैक का इजहार करते रहिए करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।